कालका से शिमला के बीच चलने वाली नैरोगेज ट्रेन को 6 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। हिमाचल में हो रही भारी बारिश की मार इस ट्रैक पर भी पड़ी है। कई जगह लैंडस्लाइड होने के कारण ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा है तो कुछ जगह मलबा भी गिरा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन इस फैसले की मार सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ी है जिनकी रोजी रोटी इस ट्रेन से जुड़ी थी। शिमला रेलवे स्टेशन के बाहर कतार में खड़ी ये टैक्सियां पिछले कई दिनों से यूं ही खड़ी हैं। ट्रेन से आने वाले सैलानियों से ही इनका रोजगार जुड़ा था। जैसे ट्रेन बंद हो गई तो हमारा तो बिल्कुल ही काम बंद हो गया है ही नहीं काम। जो पहले था ट्रेन से ही था काम सारा। टूरिस्ट आते थे वो भी यहीं से, जैसे होटल छोड़ दिए फिर आगे शिमला मनाली, तो यहीं से था सारा काम। तो अब 7-8 से तो सारा ही बंद हो गया है। ना लोकल चक्कर लगता है ना बाहर का। 7-8 से खड़े ही हैं। अब आपको तो ड्राइवरों की तनख्वाह भी देनी, गाड़ी की EMI भी देनी, खर्चा भी देना डेली का, रोटी का, तो सारा बंद ही, मतलब सब जेब से ही जा रहा है। हिमाचल में मानसून की एंट्री के साथ ही इस ट्रैक पर असर पड़ने लगा था, लेकिन 8 जुलाई के बाद वर्षी आफत ने प्रदेश भर के साथ इस ट्रैक को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। ट्रैक 10 जुलाई से बंद था और अब इसे 6 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। बारिश ने सबसे ज्यादा पर्यटन कारोबार पर ही असर डाला है। बारिश से मची तबाही के बाद पर्यटक फिलहाल हिमाचल से दूरी बनाए हुए हैं। यही वजह है कि इन टैक्सी वालों को कोरोना का दौर याद आ चुका है, क्योंकि एक बार फिर गांव लौटने की नौबत आ गई है। काम धंधा पूरी तरह से ठप है। बारिश की वजह से रेल की पटरियां मिट्टी के नीचे आ गई हैं, पहाड़ गिर गए उनके ऊपर, और कोई ट्रैफिक भी नहीं आ रहा, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है। हम बेरोजगार हो गए हैं। जैसे कोरोना काल में हाल था बेरोजगारी का, वही हाल हो गया है। अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना रहने की, कुछ नहीं है। मतलब रेलवे स्टेशन या एयर टैक्सी स्टैंड 100 चलती है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब तो गांव अपने अपने गांव घर वापस जा रहे हैं। इन टैक्सी वालों का पूरा कारोबार कालका से शिमला के बीच चलने वाली ट्रेन पर निर्भर है। बारिश ने ट्रेन के पहियों के साथ साथ इन टैक्सियों पर भी ब्रेक लगा दिया है। अब टैक्सी की EMI चुकाने से लेकर रोजी रोटी तक का संकट है, इसलिए हर कोई इस नुकसान को कम करने का रास्ता खोज रहा है। प्लान तो सर यही है कि अगर ड्राइवर घर भेजने पड़ेंगे, गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो अब तनख्वाह तो उनकी जानी जानी, सैलरी तो उनको घर बैठे भी देनी पड़नी है। लेकिन यहाँ पे अब कोई भी बाहर का बंदा वो कहाँ से खर्चा करेगा? अब एक ड्राइवर बंदा डेली का 200-300 तो खाने का ही खर्चा होता है, तो कहाँ से करेंगे? बोलो, जब है ही नहीं यहाँ पे कुछ भी। इतने दिन से खड़ी हैं सारी गाड़ियाँ, यहाँ पे खड़ी हैं, कोई गाड़ी नहीं चली। मतलब ना लोकल लगता है, ना बाहर का तो है ही नहीं, ना चंडीगढ़ का ना कहीं का। तो ट्रेन बंद होने के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया काम। अब कैसे भरेंगे सर? हमारे भी 8 टैक्सी हैं यहाँ पे, इनकी किस्तें बैंक वाले मांग रहे हैं, लेकिन कहाँ से देंगे जब काम ही नहीं है? हालात खराब ही हैं, बारिश ने बहुत नुकसान किया है हिमाचल में। अंग्रेजों के जमाने के कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर साल 1903 से ट्रेनें लगातार दौड़ रही हैं। हर साल लाखों पर्यटक इस ट्रेन से शिमला और फिर हिमाचल के दूसरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। कोरोना काल को छोड़ दें तो ये पहला मौका है जब पिछले 120 सालों में ये ट्रैक करीब 1 महीने के लिए बंद होगा। डेस्क रिपोर्ट, ETV भारत।